हेलो दोस्तों, नमस्कार। अंशिका रसोई में आपका स्वागत है। तो आज हम बताएंगे आपको बिरयानी बनाने के लिए, जो कि बिरयानी ऐसा बताएंगे कि जो कि झटपट बन के तैयार हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, दो टमाटर कट कर ली हूँ, दो प्याज है, मिर्चा है, लहसुन है और धनिया की पत्ती है। इसको साइड में रख देते हैं। और ये है फोरन डालने के लिए, जीरा है, लौंग है, इलायची है, काली मिर्च है, दालचीनी है, तेजपत्ता है। इसको हम इसमें डाल देते हैं और इसको ब्राउन कर लेते हैं। अब इसमें लहसुन भी डाल देते हैं और मिर्चा भी डाल देते हैं। अब जितना तीखा पसंद करती हैं उसी के हिसाब से मिर्चा इसमें डाल दीजिए। और इसको ज़्यादा भूनना नहीं है, हल्का सा सॉफ्ट करना है। तो ये हल्का सा सॉफ्ट हो गया, इसमें प्याज भी डाल देते हैं। तो बिरयानी बनाने के लिए ये आधा किलो चिकन ली हूँ मैं। इसको हम अच्छे से धो ली हूँ। धोने के बाद इसको प्याज के साथ ही इसको भून लेते हैं। तो इसको भी हम इसी में डाल देते हैं और इसको अच्छे से भून लेंगे। अब इसमें हम नमक डाल देंगे, जो कि नमक डालने से प्याज जल्दी से सॉफ्ट हो जाएगा। तो स्वाद अनुसार नमक डालेंगे। आप जितना नमक खाती हैं उसी के हिसाब से नमक डाल दीजिए। और इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्याज अच्छे से गल गया है। इसमें टमाटर भी डाल देते हैं। टमाटर को भी अच्छे से भून लेते हैं इसी के साथ में। इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं, ये 2 चम्मच दही है, 1 चम्मच बिरयानी मसाला है और आधा चम्मच धनिया पाउडर है। तो इसको हम एकदम अच्छे से इसी में फेंट लेंगे। फेंटने के बाद हम इसमें डालेंगे। अब इसमें डालेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। इसको भी थोड़ा सा भून लेंगे, जो कि इसका कच्चापन खत्म हो जाए। तो आप घर पे भी अदरक लहसुन का पेस्ट बना के डाल सकते हैं, ये पैकेट भी मंगा के डाल सकते हैं। आपको जो सही लगे वो डाल सकते हैं। अब इसको ढक देते हैं 2 मिनट। अब इसमें जो दही में फेंट के रखी थी और वो बिरयानी मसाला, तो इसी में मैं डाल देती हूँ। अगर आपके पास बिरयानी मसाला नहीं है तो आप इसमें आधा चम्मच धनिया पाउडर और गरम मसाला आधा चम्मच डाल सकते हैं, और जीरा पाउडर बहुत अच्छा होगा। तो मेरे पास बिरयानी मसाला था इसलिए मैं 1 चम्मच बिरयानी मसाला इसमें डाल दी। और इसको मीडियम फ्लेम पे भूनेंगे। अब मैं मसाले में दही इसलिए घोर के डाली हूँ, फेंट के डाली हूँ, जो कि दही फटे ना इसमें। अब इसको अच्छे से ऐसे मिक्स करके इसको 2 मिनट के लिए ढक देते हैं, बीच बीच में चेक करते रहेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मसाला एकदम अच्छे से भुना गया है, तेल भी एकदम छोड़ दिया है। तो इसमें हम चावल डालेंगे। तो चावल को मैं 5 मिनट के पहले ही धो के रख ली थी। तो देखिए, बिरयानी बनाने के लिए आप कोई सा भी चावल ले सकते हैं। अब चावल को इसी में अच्छे से हम मिक्स कर लेते हैं और 2 मिनट ऐसे ढक के रख देते हैं। तो ये हमारा 2 मिनट हो गया है। अब इसमें हम पानी डालेंगे और पानी को एकदम अच्छे से मिला लेंगे। तो हम पानी कितना इसमें डालेंगे तो आप देख सकते हैं, पानी हम इतना ही डालेंगे कि छप छप रहे, चावल से थोड़ा सा ऊपर रहे, उतना ही पानी डालना है। अगर आप 1 गिलास चावल ले रहे हैं तो इसमें 1.5 गिलास पानी डालिए, क्योंकि ये जो हम मसाला भूनते हैं उसमें भी पानी छोड़ देता है। नहीं तो हम 1 गिलास चावल, 2 गिलास पानी, तो हम आधा गिलास पानी कम करके लेंगे, क्योंकि इसमें पानी छोड़ देता है चिकन में। इसके वजह से हम आधा गिलास पानी कम लेंगे। अगर 1 गिलास चावल रहे तो 1.5 गिलास पानी रहे। अब इसको हम बंद कर देते हैं और एकदम मीडियम फ्लेम पे हम 1 सीटी लगाएंगे। 1 सीटी में ये हमारा बिरयानी बन के तैयार हो जाएगा। तो चलते हैं बिरयानी के लिए चटनी बना लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये हमारा बिरयानी बनके तैयार हो गया, बहुत अच्छा हुआ है, एकदम लजीज बनके तैयार हुआ है। और बिरयानी के साथ चटनी भी बनाई हूँ। तो इसमें क्या क्या मिक्स की हूँ तो मैं आपको बता रही हूँ। दही है, प्याज है और अनार है और नमक है। ऐसा चटनी बिरयानी के साथ बनाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, खाने में एक नंबर का टेस्टी लगेगा। तो ये हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करिएगा। तो आज के लिए इतना ही है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।